मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आरपीएस ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज आप लोग का रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास में मैं आज चैप्टर वन आपको रिवीजन कराने जा रही हूँ। और फर्स्ट क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स प्लीज ओपन पेज नंबर 8 और साथ में आप कॉपी और पेंसिल लेके बैठ जाइए। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से पढ़िए और नोट कीजिए। मैमल गिव बर्थ टू, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि मैमल क्या है। मैमल किस होता है, स्तनधारी। आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि एनिमल्स दो टाइप्स के होते हैं। कुछ एनिमल्स हैं वो एग देते हैं और कुछ एनिमल बेबी। तो जो बेबी को देते हैं, जो बेबी को जन्म देते हैं उसको क्या कहते हैं, मैमल। तो मैमल गिव बर्थ टू, मैमल गिव बर्थ टू थिंग्स होगा कि प्लेस होगा कि बेबी होगा। तो सही इसका ऑप्शन क्या है, ए बेबी, है ना। मैमल किसको जन्म देते हैं, बेबी को। सेकेंड है, ए बेबी डेवलप इनसाइड द मदर। जो बेबी बच्चा रहता है वो कहाँ डेवलप करता है, अपने मदर के किस लिए डेवलप करता है। तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिया हुआ है, एक है माउथ, ओम, एक हैंड। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ओम, है ना। यहाँ पे क्या है, वो बेबी का डेवलपमेंट होता है। छोटा जो बच्चा माँ के गर्भ के अंदर रहता है वो क्या है, ओम। अब थर्ड क्या है, ए कैरी फूड एंड ऑक्सीजन टू द बेबी इन इनसाइड इनसाइड द मदर। आप लोग को तो मालूम होगा कि कोई भी बेबी जब माँ के गर्भ में रहता है तो किसके द्वारा उसको भोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होता है, है ना। तो यहाँ तीन ऑप्शन है, एक होल है, एक ट्यूब है, एक स्पून है, हाँ। तो किसके द्वारा उसके पास ऑक्सीजन और फूड जाता है, वो ट्यूब के माध्यम से जो माँ से अटैच रहता है वो इसके माध्यम से उसको क्या जाता है, ऑक्सीजन और उसका जो भी फूड है वो ट्यूब के माध्यम से बेबी के पास जाता है। अब फोर्थ क्या है, द बेबी एलिफेंट होल्ड इट मदर टू फॉलो हर। देखते हो ना, जो एलिफेंट है वो ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार रहना पसंद करता है, वो ग्रुप में रहना पसंद करता है। तो जब सारे बच्चे या उसके जो फैमिली जब एक साथ जाते हैं तो जो एलिफेंट है उसका बेबी क्या है, वो अपने मदर की पूंछ पकड़ के वो पीछे पीछे जाता है। तो द बेबी एलिफेंट होल्ड इट मदर टू फॉलो हर। वो किस प्रकार वो मदर को फॉलो करता है, लेग के द्वारा, टेल के द्वारा, कि ट्रंक के द्वारा। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन, टेल के द्वारा वो अपने मदर को फॉलो करता है, उसके पीछे पीछे हो जाता है। तो टिक द करेक्ट ऑप्शन तो आपको समझ में आ गया। अब क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, फर्स्ट आर्यन, नाना एंड नानी केम टू अटेंड द। आर्यन के नाना नानी उसके घर क्यों आए थे, तो उसके यहाँ क्या चल रहा था, नामकरण संस्कार। क्या चल रहा था, नामकरण संस्कार, किसी को अटेंड करने के लिए उसके नाना एंड नानी जो नामकरण संस्कार है उसी को अटेंड करने के लिए उसके नाना और नानी उसके घर आए थे, क्योंकि उसके यहाँ छोटा बेबी का जन्म हुआ था। और बेबी का जन्म के बाद उसका क्या होता है, नाम संस्कार होता है। तो उसके नाना नानी इसी के लिए उसके यहाँ आए थे, उसके यहाँ नामकरण संस्कार था। सेकेंड फिलिंग ब्लैंक्स क्या है, स्पेशल टू डेवलप बिटवीन मदर एंड हर चाइल्ड। ऐसा क्या चीज है जो मदर और चाइल्ड को क्या करता है, बांधता है। तो जो बांधता है तो क्या कहते हैं, स्पेशल बॉन्ड। माँ और बच्चे के बीच में क्या रहता है, एक स्पेशल बॉन्ड बना रहता है जिससे वो एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो सेकेंड का जो फिल इन द ब्लैंक है वो क्या आप लोग लिखोगे, ये है बॉन्ड। क्या होता है, माँ और बच्चे के बीच में एक स्पेशल बॉन्ड होता है, एक स्पेशल बंधन है जिससे माँ और
एक दूसरे से जुड़ा रहता है। अब थर्ड क्या है, ए मदर बर्ड फीड टू यंग, जो मदर बर्ड होती है अपने यंग को, अपने जो यंग 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 के बाद क्या होता है, चिक, जो चिक मींस क्या होता है, जो उसका छोटा सा बच्चा होता है, चूजा होता है, वो उसको क्या करती है, वो नेस्ट में ही खिलाती है। जो जहां कहीं से भी वो दाना चुन के लाती है तो अपने यंग वन को, छोटे से चूजे को, अपने नेस्ट में उसको क्या करती है, भोजन खिलाती है। अब फोर्थ क्या है, इज द प्रोसेस इन विच कपल बिगन पैरेंट टू एयर से चाइल्ड। तो ऐसा इसका क्या हुआ, इज द प्रोसेस इन विच कपल बिकम पैरेंट टू एयर से चाइल्ड, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसे कोई भी कपल, कोई भी माता पिता एज टू पेरेंट्स टू एज द चाइल्ड, जो किसी भी बच्चे को लेते हैं तो एडॉप्शन के द्वारा, कोई भी बच्चा अनाथ हो या अनाथ आश्रम से जब माँ बाप किसी भी लीगल टाइप से उसको क्या करते हैं, गोद लेते हैं, तो क्यों, ताकि उनका वो बच्चा पूरी तरह से उनका हो, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हुआ, एडॉप्शन। Adoption is the process in which couple become parent to a child. Adoption के माध्यम से ही कोई भी माता पिता क्या करते हैं, बच्चे को गोद लेते हैं। ओके, अब क्या है, फाइव में इन फॉस्टरिंग चिल्ड्रेन लुक्ड आफ्टर फॉर। एक तो होता है कि किसी भी अनाथ आश्रम से बच्चे को गोद लेना, और एक होता है कि फॉस्टरिंग चिल्ड्रेन, जैसे अनाथ आश्रम में बच्चे जो रहते हैं, तो बहुत सारे जो कपल होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चे को क्या करते हैं, जो भी वो उनके जरूरी के सामान है वो उनको लाके देते हैं, है ना। तो इन फॉस्टरिंग चिल्ड्रेन लुक आफ्टर फॉर समथिंग, वो उनकी जो भी जरूरत की सामान है वो उनको लाके उस बच्चे को, अनाथ आश्रम में जो बच्चे होते हैं जी, वो उनको लाके जो भी सामान है वो क्या करते हैं, देते हैं। तो ये कौन सा सिस्टम हुआ, फॉरेस्टिंग सिस्टम। एक क्या होता है, एडॉप्शन, जो माता पिता लीगली उसको क्या करते हैं, गोद लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स और टिक द करेक्ट ऑप्शन, आप अपने कॉपी में भी इसको नोट कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।